हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड। तो आज है जवान डे, 7 सितंबर, जब शाहरुख खान साहब की फिल्म जवान दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। जाहिर है सुबह से ही सोशल मीडिया पे ये फिल्म शाहरुख खान ट्रेंड कर रहे हैं। बट हाउ इज जवान, इज इट गुड, बैड और अगली, इसका खुलासा तो हम आपको डिटेल रिव्यू में देंगे। लेकिन अगर हम अपना फर्स्ट रिएक्शन दें, फर्स्ट डे सेकेंड शो का, तो वो इतना कुछ मैं कहूँगा खास नहीं है। खैर, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात यह है कि जवान राइटर डायरेक्टर एटली कहूँगा कि स्टोरी अच्छी है कि कैसे एक इंसान और एंड हिज गैंग ऑफ गर्ल्स, उनकी जो महिला मंडली है, कि वो कैसे सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम के अंदर करप्शन है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। जाहिर है शायद जो वो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर लोगों की अलग अलग राय होगी। तो स्टोरी अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटिंगली इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही हमें कमज़ोर लगा, बेहद कमज़ोर है। बल्कि आगे जाके जो खासकर इसका सेकेंड हाफ है और जो इसका लास्ट 30-35 मिनट्स है वो तो बिल्कुल मैं कहूँगा बहुत ही वाहियात स्क्रीन प्ले है। फिल्म के अंदर एज एक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइजेज है, मैं ऑब्वियसली उनका खुलासा नहीं करूँगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शाहरुख खान साहब, उनका काम हमें इतना कुछ खास नहीं लगा। जाहिर है जो उनके शाहरुख खान के डायहार्ड फैंस हैं, यू नो, उन्हें तो शायद ये फिल्म अच्छी लगेगी। एंड ना सिर्फ वही बल्कि वो ऑडियंस जो अपना जिनके पास टैलेंट होता है कि वो दिमाग अपना बाजू में रखे ऐसी फिल्म का आनंद उठाती है, तो शायद उन्हें तो ये फिल्म अच्छी लगेगी। लेकिन जो मेरे ख्याल से लॉजिकल आम इंसान है, साधारण इंडिया लोग हैं और जो लॉजिकल ऑडियंस है, उन्हें ये फिल्म इतना नहीं मेरे ख्याल से भाएगी। तो खैर, शाहरुख खान साहब ने तो हमें डिसअपॉइंट किया एज एन एक्टर। विजय सेतुपति ऑल्सो इनिशियली उनका काम हमें अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही ये फिल्म आगे बढ़ती है तो फिर उनका जो कैरेक्टर है, उसकी राइटिंग है और उनके परफॉर्मेंस में भी हमें इतना कुछ खास नहीं लगा। हाँ, अगर फिल्म में किसी ने अच्छा काम किया है तो वो है इसके फीमेल का, लास्टली आई वुड से द फीमेल का, जिसके अंदर साउथ एक्ट्रेस नयनतारा, जो शायद मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म में अपना डेब्यू कर रही है, उनका काम मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। शी हैज़ अ ट्रेमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस और वो एक जो फीमेल स्पेशल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का जो रोल कर रही है उसमें उन्होंने अच्छा निभाया है। लेकिन वही बात आ जाती है कि एक इंसान कितना फिल्म को खींचे। नयनतारा ने अच्छा काम किया, सानिया मल्होत्रा जो कि एक मैं कहूँगा सपोर्टिंग रोल में, और बड़ी बात है कि उनकी जैसी एक्टर वो एक सपोर्टिंग रोल में है, तो उनका काम भी ठीक ठाक है। रिधि डोगरा यू नो, जो टेलीविजन से फिल्मों में आ चुकी है और जो असुर में थी, हैरानी की बात यह है कि वो खुद मेरे ख्याल से कुछ 35 की उनकी उम्र है, सॉरी रिधि फॉर डिस्क्लोजिंग एज, और वो शाहरुख खान साहब की मदर का रोल प्ले कर रही है। अब जाहिर है जब आप पर्दे पे देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो कितना ऑथेंटिक है। सो ओवरऑल आई वुड से दैट फिल्म स्टोरी अच्छी थी, स्क्रीन प्ले बहुत ही बुरा है। और शाहरुख खान साहब का ये जो बूढ़ा जवान है, ये बूढ़ा जवान जब हम किसी कारण के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी वुड नॉट लाइक टू रिवील दैट मच, बट इतना है कि फिल्म के अंदर स्टोरी है, स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन फॉर जवान है, दैट इज़ नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव।